हाय दोस्तों वेलकम टू नॉलेज चैनल मेरा नाम सलमान है और आज ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में और मज़ीद ये बोनस वीडियो भी हो सकती है क्योंकि इनकोडिंग और डिकोडिंग समझते हुए हमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी समझ आ जाएगा आराम से तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और मजीद ये वीडियो मेरी कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट सीरीज वीडियो में से एक है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है वो एक कुदरत का बहुत ही बड़ा और बेहतरीन बनाया हुआ निज़ाम है जो कि इंसानियत को एक बहुत ही अलग रुतबे के ऊपर ले जाता है अगर हम इनकोडिंग और डिकोडिंग को बहुत ही गहराई से समझें तो इनकोडिंग बेसिकली एक प्रोसेस या डिकोडिंग एक प्रोसेस होता है जो कि इंसान के दिमाग यानी कि इंसान को जो कुदरती कंप्यूटर मिला हुआ है उसके ज़रिए जो है वो कर रहा होता है इनकोडिंग और डी जो है बेसिकली एक पूरा साइकिल होता है एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे हर इंसान जो है वो गुजरता है ना चाहते हुए भी और ये प्रोसेस जो है वो इनकोडिंग से हमेशा शुरू होता है सबसे पहले इनकोडिंग उसके बाद मैसेज उसके बाद डी उसके बाद इंटरप्रिटेशन फिर आता है आपका इनकोडिंग उसके बाद फीडबैक उसके बाद फिर दोबारा डी ये एक पूरा साइकिल है जो इंसान की जिंदगी में चौबीस घंटे के अंदर चल रहा होता है इवन अगर मैं ये बात कहूँ कि इंसान जब सो रहा होता है तब भी ये साइकिल या प्रोसेस जो है उसके दिमाग में या उसके सपनों में जो है वो चल रहा होता है तो ये प्रोसेस होता कैसे है अब इसको समझते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकोडिंग क्या होती है इनकोडिंग बेसिकली उसका अगर बहुत ही बुनियादी मतलब देखें तो इनकोडिंग का मतलब होता है जो भी चीज़ मुझे आती है उसको मैं ऐसे कोड के अंदर लिखूं जो कि सिर्फ वही बंदा जो है उस कोर्ट को पढ़ पाए जो कि उस कोर्ट को समझता हो सही है आ, मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू ज़बान कहता हूँ तो जो अगर मैं किसी अंग्रेज़ के सामने अपनी उर्दू ज़बान कहूँगा किसी भी अपने नेटिव स्पीकर के साथ यानी कि उस बंदे के साथ जो उर्दू जबान समझता है तो सिर्फ वही मेरी जबान समझ पाएगा ना कि अंग्रेज़ तो इनकोडिंग समझ लीजिए हमें ये इनकोड uh, करना होता है कि हमें आगे मैसेज क्या पहुंचाना है दूसरे बंदे तक अब उसके बाद आता है मैसेज मैसेज क्या चीज़ होती है जो भी पैगाम है जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से आगे पहुंचेगी मैसेज बेसिकली किस तरीके से आगे पहुंचेगा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब ज़बान के जरिए यानी कि लफ्ज़ों के ज़रिए पहुंचेगा लिखाई के ज़रिए पहुंचेगा इशारे के ज़रिए पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा ये भी बहुत अहम पार्ट होता है हमारी इनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस में अब इसके बाद जब मैसेज आपके रिसीवर के पास यानी कि उस बंदे के पास वो बात इन्फॉर्मेशन पहुँच गई है जिस तक आपको ये बात पहुँचानी थी फिर उसके बाद उसका दिमाग कुदरती तौर पे उस बात को या उस मैसेज को जो है वो प्रोसेस करके समझता है कि आपने उसको क्या बात कही है मिसाल के तौर तो पे अगर मैंने किसी बंदे को कहा है कि एक गिलास मुझे पानी पीना है तो अगर वो बंदा मुझे पानी पिला सकता है तो वो मुझे पिलाएगा अगर उसके पास पानी की सहूलत मौजूद नहीं है तो वो कहेगा कि भाई आगे से पी लो मेरे पास पानी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक क्लैरिफिकेशन थी हमारी कम्युनिकेशन के अंदर कि मैंने उससे पानी मांगा उसने यही समझा कि मुझे पानी चाहिए ना कि वो ये बात समझा कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी अब डिकोड करने के बाद अब उसके दिमाग में एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो है वो मायने निकालना सही है अब इसकी बहुत ही सिंपल और अच्छी सी मिसाल देता हूँ कि एक रोड पर नाकाबंदी लगी हुई थी उधर एक पुलिस ऑफिसर था और वहां पे कांस्टेबल जो है वो गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे अब जो पुलिस ऑफिसर था वो थोड़ा मसरूफ हो गया और एक गाड़ी ऐसी मशकूक आई जिसके ऊपर कांस्टेबल को शक हुआ कांस्टेबल ने पुलिस वाले से पूछा कि साहब इस गाड़ी में कुछ मसला है क्या करना है ऑफिसर ने कहा रोको मत जाने दो अब कांस्टेबल ने उसको जाने दिया लेकिन कुछ देर बाद जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि वो गाड़ी कहाँ है कांस्टेबल ने कहा साहब आपने ही तो कहा था कि रोको मत जाने दो मैं तो फिर ऑफिसर को ऑफिसर ने उस कांस्टेबल को गुस्से से कहा कि मैंने कहा था रोको मत जाने दो मतलब आप देखिए सेंटेंस हमारा वही रहा लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग हो गई कांस्टेबल ये समझा कि ऑफिसर ने कहा है कि उस गाड़ी को रोको मत जाने दो लेकिन जो ऑफिसर था उसका मकसद ये था कि उस गाड़ी को रोको आगे मत जाने दो तो इंटरप्रिटेशन से भी यानी कि जो हम सुनते हैं उससे भी हमारे मामला अगर हम उसका गलत मायने ले जाएं तो उसके भी हमारे मामला या फिर हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो डैमेज हो सकता है इंटरप्रिटेशन के बाद हम क्या करते हैं हम अगर हमें कोई फीडबैक देना है अगर किसी ने मुझे जो है ऐसी बात कही जो कि मुझसे नाकबिल बर्दाश्त रही यानी कि अगर मुझे किसी ने कुछ भी कह दिया जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अब मैं उसको गु़स्से में आके जो है ऐसी बात कहूँगा जो कि उसको भी बुरी लगे या फिर उसको ये लगे कि मैं मुझे ये बात बुरी लगी है जो उसने मुझे बात कही है तो अब मैं क्या करूंगा अपने मैसेज को जो है इनकोड करूंगा फिर उसको मैं फीडबैक दूंगा आपने उस, आप उस बंदे ने मुझे मैसेज दिया अब मैं उस बंदे को फीडबैक दूंगा सही है तो इनकोडिंग अब मैं इनकोड करूँगा उसके बाद मेरा मैसेज जो है वो फीडबैक के थ्रू उस तक पहुँचेगा और वो उस मैसेज को डिकोड करेगा अपने दिमाग के अंदर समझेगा कि मैंने उसको क्या बात कही है तो इन शॉर्ट इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि हमें आगे क्या पैगाम पहुंचाना है और किस तरीके से पहुंचाना है और वो एक कोड की सूरत होती है यानी कि सिंबल जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि सिंबल्स बेसिकली हमारी लैंग्वेज होती है जो कि कोई सा भी लफ्ज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं वो एक सिंबल होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें दरअसल बोला क्या जा रहा है अगर मुझसे कहा जाए कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो अब बोलना क्या हो गया तो अब बहुत ज़्यादा बोलना क्या हो गया मेरे लिए एक फ़ीडबैक हो गया कि यार मैं वाकई में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं रियलाइज़ करूँगा फिर मैं क्या करूँगा अपनी उस आदत को कम करूँगा तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमारे को पता चल रही होती है हमारी अच्छी और बुरी आदतें तो इन कोड का मतलब क्या हो गया कि जो भी मैसेज हमें आगे पहुँचाना है वो किस तरीके से या किस जबान में हमें जो है वो आगे पहुँचाना है फिर मैसेज यानी कि किस ज़रिए हमें उसको आगे पहुँचाना है हमारा जो मैसेज है जो हमारी इन्फॉर्मेशन है फिर डी का मतलब ये होता है कि जो जिस बंदे को आप ये बात कह रहे हैं वो उस उस बात को किस तरीके से अपने दिमाग के अंदर तोड़ता है उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और उस उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से अपने दिमाग के अंदर इंटरप्रिटेट करता है यानी कि किस तरीके से वो उसको तर्जमा करता है उसके बाद फिर वो आपको दोबारा फीडबैक देता है इनकोड करता है फिर वो इनकोड करता है फिर वो फीडबैक बन जाता है उसके बाद फिर आपको डिकोड करते हैं आप अपने दिमाग के अंदर <Arizona> तो आज की ये वीडियो इतनी थी और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस कम्युनिकेशन प्ले लिस्ट की सीरीज़ का तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी वीडियो बननी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि ख्याल रखिएगा तो आज की बस ये वीडियो इतनी थी आ, छोटी सी मुख्तर से तो आज की ये वीडियो इतनी थी और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस कम्युनिकेशन uh, प्लेलिस्ट की सीरीज़ का uh, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी वीडियो बननी चाहिए